हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। आज जिस भक्त चरित्र का आनंद हम सब लेना चाह रहे हैं श्री ठाकुर जी की कृपा से, वो भक्त उस पावन भक्त का नाम है बाल भक्त श्री ओम प्रकाश जी। जिस स्थान पर आप बैठे हो, यहां मंदिर के पास बाल भक्त ओम प्रकाश जी की छवि हुआ करती थी। मोक्षदा एकादशी वाले दिन यहीं से बाल भक्त जी को यमुना जी के किनारे अक्रूर घाट के पास सवारी जाती, आप सब जानते हैं। और देखो तो सही, इन बाल भक्त जी का जन्म भी एकादशी के दिन हुआ और श्री ठाकुर जी के चरणों में लीन भी एकादशी के दिन ही हुए। जय एकादशी के दिन ही प्रकट हुए, एकादशी के दिन ही श्री श्याम सुंदर में लीन हो गए। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, सन 1926 की बात है। इस धराधाम पर, इस भारत भूमि पर एक ऐसे भक्त का अवतार हुआ, एक ऐसे भक्त प्रकट हुए। सतयुग में तो भक्त ध्रुव को 6 महीने लगे थे श्री ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए, 6 महीने लगे थे ध्रुव को। लेकिन इस कलिकाल में बाल भक्त ओम प्रकाश जी तो ऐसे भक्त प्रकट हुए जिन्हें मात्र 60 दिन लगे थे ठाकुर जी को प्राप्त करने। जय मात्र 60 दिन, 60 दिनों के उपवास में इस बाल भक्त ओम प्रकाश जी ने श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया। राजस्थान जयपुर के पास टोंक के रहने वाले थे ये बाल भक्त ओम प्रकाश जी, और इनके घर का वातावरण सात्विक आध्यात्मिक था। घर में आरंभ से ही संतों का, भक्तों का आना जाना रहता था। स्वाभाविक है, इस बालक के हृदय में बाल्य अवस्था से ही भक्ति का बीज अंकुरित हो गया। और उस स्थिति को प्राप्त कर गई, उस स्थिति को प्राप्त कर गए जिस स्थिति को प्राप्त करने में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को, बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर लग जाते। उस भावमयी दिव्य सिद्ध स्थिति को बाल भक्त ओम प्रकाश जी प्राप्त कर गए। कृष्ण प्रेम में रोते थे, बिलखते थे, तड़पते थे, इतना रोए, इतना रोए, इतना रोए कि अगर कोई उनसे संसार की बात करता तो बाल भक्त जी मौन हो जाते या उस स्थान को छोड़ के चले जाते, क्योंकि उन्हें जीवन का एक एक पल ऐसा लगता था कि हर पल, हर श्वास में अपने कृष्ण के नाम लिख दू, हर पल, हर श्वास अपने प्यारे के नाम लिख दू। बस हमेशा प्रयास रहते थे कि जीवन का कोई भी समय कृष्ण चर्चा के अलावा व्यतीत ना हो, ऐसी धारणा बन गई। इतना प्रेम था ठाकुर जी के चरणों में, इतना अनुराग था सरकार के चरणों में। अगर कोई उनसे बात करने की चेष्टा भी करता, कोई उन्हें समझाने की चेष्टा भी करता कि भाई तुम दिन रात रोते रहते हो, तड़पते रहते हो, जिसकी याद में रोते रहते हो, वो कोई मिलने वाला है? बाल भक्त ओम प्रकाश जी जब विद्यालय में पढ़ते थे तो जितना समय विद्यालय में व्यतीत होता उतना समय होता, उसके बाद अपने कमरे में बंद होकर अपने कृष्ण की याद में रोते ही रहते थे, बस तड़पते ही रहते थे, बिलखते ही रहते थे। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के मित्रों ने कई बार समझाने की कोशिश की, प्रयास किया कि भाई जिसके लिए तुम रोते हो, जिसके लिए तुम तड़पते हो,
अरे उस कृष्ण को केवल हमने किताबों में ही तो सुना है, किताबों में ही तो देखा है, किसी ने साक्षात थोड़ी देखा है। जिस कृष्ण के लिए तुम रोते हो, जिस कृष्ण के लिए तड़पते हो, उसको किसने देखा है? केवल किताबों में ही तो सुना है, केवल चित्र ही तो देखे हैं, किसी ने साक्षात थोड़ी देखा है। लेकिन वो जिसके हृदय में बैठा हो, उस व्यक्ति को अनुभव होता है कि आखिर वो प्रेम है क्या, वो कृष्ण है क्या, वो कृष्ण है क्या। वो बताना भी चाहे तो बता नहीं पाता है, वो अपने मन की स्थिति को समझाना भी चाहे तो समझा नहीं पाता है, मौन हो जाता है, अपने प्रेम में चुप हो जाता है। उनके मित्रगण जब वो विद्यालय जाते, विद्यालय को उपरांत जब वापस घर आते, तो रास्ते में वो बालक, अनत्र बालक, बाल भक्त ओम प्रकाश को समझाते, खेलने कूदने के लिए अग्रसर करते, थोड़ा मन बटे, लेकिन वो किसी की सुनते नहीं थे। और जब कोई ज्यादा जिद करता तो हमें लगता है शब्द उनके कोई रहे हो लेकिन भाव यही रहा होगा। बाल भक्त ओम प्रकाश जी के शब्द कुछ और रहे होंगे लेकिन उन शब्दों में भाव यही रहा होगा, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए प्यारे, खुश रहो हर खुशी है तुम्हारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, छोड़ दो आंसुओं को हमारे लिए, यही भाव रहा होगा केंद्र में। ऐसा प्रेम कर बैठे बाल भक्त ओम प्रकाश जी। पढ़ाई लिखाई में भी ऐसा नहीं कि कमजोर हो, परम विद्वान थे, परीक्षा में बहुत अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे, लेकिन फिर भी अपने मूल लक्ष्य को नहीं भूलते थे। मूल लक्ष्य क्या है हमारे आपका सबके जीवन का? कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति। और मेरे भाई बहन याद रखना एक बात, आज हमारा प्रभु चरणों में प्रेम हो या ना हो, हो सकता है सरकार से ज्यादा हमारा प्रेम संसार में हो, संसार के लोगों से हो, संसार की वस्तुओं से हो, किसी से भी हो, लेकिन अंत तो गत्वा एक दिन ये प्रेम रूपी दरिया कृष्ण रूपी समुद्र में ही जाके मिलती है। चाहे वो संसार के प्रति प्रेम हो, चाहे परिवार के प्रति प्रेम हो, किसी के भी प्रति प्रेम हो, वो प्रेम एक ना एक दिन वो प्रेम रूपी नदी बहते बहते कृष्ण रूपी कृपा सिंधु में ही जाके मिलती है। भाव प्रेम की अंतिम सीमा का नाम है भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण। संसार में रहते हुए भी अपने कृष्ण प्रेम को नहीं भूलते थे, दिन रात रोते थे, तड़पते थे, बिलखते थे, घर में मन नहीं लगता, मित्र जनों में मन नहीं लगता, परिवार में मन नहीं लगता, बस बंद कमरे में अपने आप को बंद करके रोते रहते, बिलखते रहते, कहते सरकार अगर रखना ही है मुझे इस संसार में, अगर मुझे इस संसार में जीवित ही रखना है तो अपने चरणों में क्यों नहीं रखते। मैंने सुना है श्री धाम वृंदावन में आज भी आप लीला करते हो, आज भी अपने भक्तों से मिलते हो, आज भी अपने भक्तों के साथ अनेकानेक लीलाएं करते हो, क्या मुझ पर कृपा नहीं करोगे? क्या मुझ पर तरस नहीं आता? मेरे लिए आप इतने निष्ठुर बन के क्यों बैठे हो सरकार? क्या आपके वृंदावन में मेरे लिए कोई कोना नहीं है जहां मैं बैठ के आपकी प्रतीक्षा कर सकूं, आपका इंतजार कर सकूं, आपसे मिलने की इच्छा को हृदय में पाल के बैठ सकूं? आपके इतने बड़े वृंदावन में मेरे लिए एक कोना भी नहीं है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी कन्हैया से अपने मन के भावों को व्यक्त कर रहे हैं, वृंदावन वास की इच्छा कर रहे हैं हृदय में, वृंदावन पहुंचने की इच्छा कर रहे हैं, बस कैसे ही हो सरकार आप कृपा पूर्वक एक बार मुझे वृंदावन तक पहुंचा दो। मैं चाहता हूं कि आपका इंतजार, आपकी प्रतीक्षा, मैं आपको उस वृंदावन के किसी कुंज के कोने में बैठ के आपके लिए वो इंतजार करूं कि आप मेरे लिए भी कभी आओगे।
आप मेरे लिए भी कभी आओगे। मैंने सुना है कि मीरा जी आपका दर्शन करने के लिए जब आई, जितना मीरा आपके दर्शनों के लिए व्याकुल थी, उतना आप भी मीरा से मिलने के लिए व्याकुल थे। मैंने सुना है कि जब मीरा जी आपका दर्शन करने के लिए आई तो आप सिंहासन समेत आगे आ गए थे मीरा जी से मिलने के लिए। मेरे बिहारी जी का सिंहासन 2 फुट आगे खिसक गया था मीरा से मिलने के लिए, तभी ये पर्दा लगा। क्या सरकार मेरे भाग्य में नहीं है कि मैं आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कर पाऊं? और मेरे गुरुदेव सरकार तो कहते हैं कि ये बाल भक्त ओम प्रकाश कोई और नहीं, साक्षात श्री ध्रुव जी के ही अवतार थे, साक्षात श्री ध्रुव जी के ही अवतार थे। उनके हृदय में वो भक्ति का बीज अंकुरित था, धीरे धीरे वो बीज अंकुरित होके पौधा बना, पौधा बन के वो वृक्ष बनने को तैयार है। ठाकुर से मिलने के लिए तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, ठाकुर से वृंदावन वास मांग रहे हैं। सरकार बस कैसे भी हो, एक बार मैं नहीं चाहता कि ये जन्म आपके दर्शनों के बिना व्यर्थ हो जाए, आपके दर्शनों के बिना ही इस संसार से मैं विदा ले जाऊं। बस मैं इतना ही चाहता हूं आप कृपा पूर्वक एक बार मुझे अपने उस दिव्य वृंदावन धाम की झांकी करा दें, आप मुझे उस दिव्य वृंदावन तक पहुंचा दें। बाल भक्त ओम प्रकाश जी का भाव, बिहारी घर मेरा ब्रज में बसा दोगे तो क्या होगा, मुझे भी अपनी माधुरी झांकी दिखा दोगे तो क्या होगा। इतने भक्तों को तारा, इतने भक्तों को बुलाया, इतने भक्तों को आपने अपने दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त कराया। सरकार क्या उन भक्तों के पंक्ति में मेरा कोई स्थान नहीं, मैं नहीं पहुंच सकता? आओ बाल भक्त ओम प्रकाश जी के भाव में डूब जाएं। और हमारी आपकी भी यही जिज्ञासा होनी चाहिए, आज वृंदावन में है कथा विश्राम लेगी, कल आप कहाँ हम कहाँ, किसको क्या पता कौन कहाँ जाएगा। क्यों ना आज बिहारी जी से यही मांग ले, सरकार इस वृंदावन धाम में किसी कुंज के कोने में बैठ के हमें भी थोड़ा सा स्थान मिल जाए, जिस कुंज के कोने में बैठ के हम भी आपकी प्रतीक्षा कर सकें कि कभी आप यमुना के किनारे ग्वाल बालों के साथ आओगे, हम आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आओ इस जिज्ञासा को हृदय में पालते हुए बिहारी जी से प्रार्थना कर लें, बड़े आनंद के साथ झूमो, कहो हमारे साथ, बिहारी ब्रिज में घर मेरा बना दो गे तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो गे तो क्या होगा। बिहारी गाइए, जरा दोनों हाथ उठा के पुकारो, तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा, बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा। मुझे वो बांसुरी अपनी, मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दो ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा। प्रेम से बोली बांकी बिहारी लाल की जय हो।
तुम हो गए ओझल, कभी तुम सामने आए, कभी तुम हो गए ओझल। प्रभु ये बीच का पर्दा, प्रभु मानो बाल भक्त ओम प्रकाश जी बिहार जी से कह रहे हो, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है, हर तमन्ना निचोड़ रखी है, डोर सांसों की जोड़ रखी है, तेरी यादों के बहते इस पानी में मैंने जीवन की नाव छोड़ रखी है। भाव से ताली की सेवा करते हुए अपनी सखियों में, मुझे भी अपनी सखियों में मिला लो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो, ये तो क्या होगा। बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो, ये तो क्या होगा।
आई थी मेरी भी आग हृदय की मेरी भी आग हृदय की बुझा दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा मुझे भी बांसुरी अपनी मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा कौन कौन चाहता है इस जन्म में ही हमें वृंदावन वास मिल जाए आप सब चाहते हो मैंने पहले ही कहा ठाकुर जी से वृंदावन वास मांगना चाहे शरीर यहाँ के बसे या मन में वृंदावन बसे बस कैसे ही हम वृंदावन में होने चाहिए कौन कौन चाहता है कि हम सब वृंदावन में बसे आप सब चाहते हो तो जरा दोनों भुजा पसार के बिहारी जी को कहो ना मैंने कहा ना भक्तमाल के प्रधान श्रोता श्री बांके बिहारी जी ही हैं यहाँ कोई और हो या ना हो लेकिन यहाँ मेरे बिहारी जी साक्षात बैठे हुए जाने किसकी पुकार सुन ले तेरा भाव से दोनों भुजा पसार के कहो बिहारी जी से बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा बिहारी घर मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या मेरा ब्रिज में बना दो ये तो क्या होगा हो मुझे वृंदावन धाम बसा ले रसिया 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 ओ रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया ओ
रसिया ओ छबीले रसिया ओ रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया ओ रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया मुझे वृंदावन धाम बसाले रसिया मुझे वृंदावन धाम बसाले रसिया मुझे वृंदावन बसाले रसिया मुझे वृंदावन धाम बसाले रसिया ओ रंगीले रसिया ओ छबीले 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 रसिया मुझे वृंदावन धाम बसाले रसिया मुझे वृंदावन धाम बसाले रसिया हम लोग यहाँ किस लिए बैठे हैं किस लिए बैठे हैं केवल अपने मन के भाव ठाकुर को सुनाने के लिए बैठे हैं उसे हम पद रूप में भी सुना सकते हैं भजन के रूप में भी सुना सकते हैं किसी भक्त के चरणों का आश्रय लेके भी अपने भावों को सुना सकते हैं लेकिन मूल में केंद्र बस एक ही है क्या हमें अपने मन के भाव ठाकुर को बताने वो किसी भी रूप में हम बता सकते हैं जैसा साधन बन पड़े बस अपने मन की बात करने के लिए ही तो हम सब वृंदावन आते हैं कि नहीं आते हैं बताओ वृंदावन किस लिए आते हो कुछ अपनी कह जाएं और कुछ उनकी सुन जाएं कुछ अपनी कह जाएं और कुछ उनकी सुन जाएं बड़े आनंद में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा और कम बोलते हैं प्यारे बड़े आनंद में वो लोग रहते हैं जो सुनते ज्यादा और कम बोलते हैं और कश्म कश्म में है मेरी गूंगी मोहब्बत ना ये बोलते हैं ना हम बोलते हैं हाथ से पुकारो ओ रंगीले रसिया ओ छबीले रसिया 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 ओ छबीले रसिया ओ रंगीले 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 रसिया ओ छबीले रसिया ओ अपनी सांवरी सी सूरत दिखाते रसिया 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 अपनी गोपियों के बीच छिपाते रसिया अपनी गोपियों के बीच छिपाते रसिया अपनी गोपियों के बीच छिपाते रसिया अपनी गोपियों के बीच छुपाते रसिया ओ रंगीले रसिया ओ छबीले 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 रसिया ओ मुझे वृंदावन धाम बसाले रसिया मुझे वृंदावन धाम बसाले रसिया मुझे वृंदावन धाम बसाले रसिया रसिया घर मेरा ब्रिज में बना दो गे तो क्या होगा बिहारी पुकारी घर मेरा ब्रिज में
दिखा दो, ये तो क्या होगा मुझे वो बांसुरी अपनी सुना दो, ये तो क्या होगा। एक बार प्रेम से बोले श्री हरिदास, श्री हरिदास। और प्रेम से बोले श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।